बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस रुखसाना फरीद बात कर रही हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ और मैं बचपन में एक्सीडेंट से ब्लाइंड हुई थी। 9 साल की एज से तकरीबन 20 साल की उम्र तक मुझे टोटल ब्लाइंड होने में टाइम लगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे कज़न्स ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्हीं की वजह से आज मुझमें कॉन्फिडेंस है या मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सक रही हूँ। उसके बाद मैं 30 में एसोसिएशन ज्वाइन की मैंने। यहाँ मैं आई थी कि पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतनी अच्छी सोशल लाइफ मिली कि मेरा पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगा। और उसके बाद तकरीबन 1 महीने में मेरी एंगेजमेंट हो गई फरीद से और फिर हम लोगों की शादी हो गई। फिर हम एसोसिएशन में मिस्टर फरीद, मिसेस फरीद के नाम से पहचाने लगे और हम अल्लाह का शुक्र है बहुत हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे, हमें हैप्पी कपल्स से अवार्ड मिलते थे और हम दोनों मिलकर थोड़ा सोशल वर्क भी करते थे। मेरे हस्बैंड फुल ब्लाइंड थे और उन्होंने ब्लाइंड स्कूल से मैट्रिक करा था, नॉर्मल कॉलेज से एमए किया था और गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग बहुत सोशल वर्क करते थे। 5 साल तक अल्लाह पाक ने हमें औलाद से महरूम रखा, लेकिन फिर 5 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें बेटा दिया, फिर हम लोग उसके साथ लग गए और हमारी बहुत अच्छी लाइफ गुजरती रही। लेकिन बस बहुत जल्द मेरा बेटा 18 साल का था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और उसके बाद मेरी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी आ गई और बहुत ज़्यादा मैं मतलब अपसेट हो गई, घर में रहने लगी। लेकिन फिर जब मैंने अपने बच्चे की शादी की, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी हुई और अल्लाह का शुक्र है अब मेरे बेटे के 2 बेटे हैं और मैं घर में मतलब दादी की हैसियत से रहती हूँ। सारी जिम्मेदारियाँ मैंने बहू बेटों को दे दी हैं और मैं अपने पोतों के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। सोशल वर्क ये था कि हमें पता चलता था कि किसी कोई ब्लाइंड लड़की है, उसके घर वाले उसे नॉर्मल लाइफ पे नहीं लाने दे रहे, तो हम जाके घर वालों को समझाते थे, काउंसलिंग करते थे, अपनी मिसालें देते थे। फिर वो इस तरह लड़कियाँ बाहर 2 आईं, पढ़ा, शादियाँ हुई। कुछ लड़कियों के रिश्ते के लिए हम दोनों जाते थे, बताते थे कि हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, हमारा बच्चा है, हम बिल्कुल सेपरेट रहते हैं और हमें मतलब कोई ऐसे ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह मतलब ब्लाइंड लड़कियों की शादी के लिए भी हम एक तरह से मिसाल बने। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड के इंतकाल के बाद मुझे अकेले सोशल वर्क करना अच्छा नहीं लगा और बस अब मैं हाउस वाइफ होकर रह गई। अब मदर हूँ, वाइफ तो खैर क्या। तो खाना पकाती हैं? पकाती थी, अब मैंने बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया, बहू बेटों को घर दे दिया। अच्छा क्या बनाती थी? मैं हलीम बहुत अच्छा बनाती थी, कोरमा मेरे हाथ का बहुत मशहूर था, शादी के बाद कोफ्ते और शादी के बाद मैं सेल भी करती थी। अच्छा माशाल्लाह, यानी बिजनेस में मैंने आप जी बस एंटरप्रेन्योर। हाँ बस इस तरह मैं मतलब अपने शौक के लिए, क्योंकि हम दोनों जो है बच्चा नहीं था 5 साल तक, तो हमने इस तरह टाइम ज़ाया नहीं करा। मैं कोफ्ते कबाब वगैरह बना के फ्रीज कर देती थी, वो सेल होते थे मेरे, बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। घर के टोटल काम मैं खुद करती थी, बच्चे की परवरिश मैंने खुद किया अकेले। हम सेपरेट ही रहते थे, जाहिर है उसमें हमने बच्चा भी पाला, पढ़ाया भी, बड़ा भी किया, फिर मेरे शौहर ने भी साथ छोड़ दिया, फिर मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे को मतलब अच्छी तरह गाइड करा शादी के, अब माशाल्लाह वो दो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त रहता है। एक फरजाना फारूक थी, तो मैं उनके किसी रिश्तेदार के घर में किराए पर रहती थी, तो मुझे पता चला कि इनके खानदान में एक लड़की ब्लाइंड है जिसको ये लोग घर से बाहर नहीं निकालते, जबकि वो एक्टिव है, घर के सारे काम करती है। तो मैं बहुत कोशिशों से उस तक पहुँची। मिस, ये आपका एक मेहमान आया है। जी देखें आपका कौन सा मेहमान है। आप भी आ जाएं। ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम फरीद अमला है, उमर फरीद अमला, और आज ये भी मेरे साथ है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उमर आपको बताइए कि जी माशाल्लाह। उमर अब आप बताइए कि एक ब्लाइंड वुमेन की का बेटा होते हुए आपको क्या, सोसाइटी ने कैसा आपके साथ रिएक्ट किया और आपको कैसा लगा? एक्चुअली सोसाइटी का तो सोसाइटी में जैसे नॉर्मल होता है, सब वैसे ही था, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला था कि ऐसा कुछ है।
उनको जब कभी रिजल्ट डे हुआ या कुछ हुआ, मेरे पेरेंट्स आए तो उनको पता चला, उनको हैरानी होती थी, फिर वो पूछते थे कि भाई घर में फिर कौन काम करता है, तो क्या करता है, मैं बता रहा था सब मेरी अम्मी करती हैं, बल्कि वो नॉर्मल जो ज़्यादातर मिडिल क्लास घरानों में तो मासियाँ और ये सब भी होता है, मेरे घर में वो भी नहीं थी, तो मेरी अम्मी ही करती थी खाना बनाना ये सब। रिपोर्ट कार्ड छुपाते थे अम्मी से? नहीं, इनको तो गुड मैनर्स पे अवार्ड मिला था स्कूल में। मैनर्स का ना मार्कशीट? मार्कशीट नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इंटरेस्ट पेरेंट्स को ज्यादा पता होता है बच्चे का, और उनको पता था लाइक तो है नहीं, फिर भी सच कुछ मतलब अच्छे से गुजर रही है लाइफ, एकेडमिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं सबका अप्रिशिएट ही किया, मुझे जितना डांटना होता था पेपर से पहले डांटती थी। अच्छा, मिस आपका मैसेज लोगों के लिए, ब्लाइंड वीमेन के लिए, खवातीन के लिए? ब्लाइंड खवातीन के लिए मेरा यही मैसेज है कि ब्लाइंड होना कोई बुराई नहीं है, साइटेड और ब्लाइंड में कोई खास फर्क नहीं होता, ज्यादा अहम है जिम्मेदार होना। सही, जो जिम्मेदार है वो हर जगह कामयाब है, बस अपना विल पावर, कॉन्फिडेंस और जिम्मेदार रहे तो इंशाल्लाह दुनिया में कामयाब रहे। ये मेरी बहू है, फातिमा नाम है इनका, और माशाल्लाह से इनके दो बच्चे हैं और हम लोग बड़ी हैप्पी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इनकी स्टेटमेंट है हैप्पी जिंदगी, आपका क्या ख्याल है? हैप्पी जिंदगी कैसे है? कि कुछ नहीं डांटती वाटती नहीं है? नहीं, पता नहीं चलता आपने क्या गड़बड़ की है, पता चलता है लेकिन डांटती नहीं है, समझा देती है। समझा देती है। तो आपकी लाइफ कैसी, आपको कैसा लगता है कि आपकी सास जो है वो ब्लाइंड है, तो आपको सोसाइटी में कैसा लगता है मूव करते हुए? मुझे इतना एज ये नॉर्मल पर्सन मुझे फील होती है, कभी मुझे ऐसा लगे कि बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं ये जी। ये तो है इन लोगों के साथ कमाल के, ये हमसे ज़्यादा देखते हैं, हम लोग कम देखते हैं, ये लोग ज़्यादा देखते हैं। तो आपको घर पे जो है अपने बच्चों के संभालने में कभी ऐसा लगता है कि अगर ये ब्लाइंड नहीं होती तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से देख लेती? नहीं, आपको लगता है बच्चों को अच्छे से संभाल लेती हैं? इनसे पूछे ना, इनकी अम्मी साइटेड है, सास ब्लाइंड है, दोनों में फ़र्क है बच्चे संभालने? हाँ, दोनों में फ़र्क है बताइए। नहीं, बराबर बराबर है, दोनों ही जैसा देखते हैं। चलो, दैट्स गुड, थैंक यू। और ये साहब तो मुसलसिल जो है ये कैमरे ही में देख रहे हैं, इनलिए इनको फोकस कर लेते हैं। है भाई, हाँ दादू को देख रहे हैं, दादू को देख रहे हैं आप? जाविया को भी इधर खड़ा करते ना। हाँ, लेकर जाविया उमर लाना, जाविया आ जाओ मम्मा के साथ आ जाओ। देखो कितनी प्यारी वीडियो आ रही है आपकी, सबसे खूबसूरत बच्चे आप हो माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा बच्चा आ रहा है। हाँ, एक हैप्पी फैमिली, आप भी आ जाए, आपकी पूरी एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी। इस वाली साइड पे आ जाए, इधर इस तरफ जो